ऊंची थी, जो आज तक की सबसे ऊंची लहरें थी। 7, समुद्रों से आती है दुनिया की आधी ऑक्सीजन। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, क्योंकि अगर दुनिया में एक भी पेड़ नहीं बचेगा तो हमारे सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होगा। क्या आपको भी यही लगता है कि दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन मौजूद है सब पेड़ों से ही मिलती है? तो आप गलत हैं, क्योंकि पेड़ पौधे सिर्फ पृथ्वी की केवल 28% ऑक्सीजन का ही उत्पादन करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हमारी पृथ्वी के संपूर्ण ऑक्सीजन में से 70% हमें समुद्री पेड़ पौधों से मिलता है और बाकी अन्य साधनों से। इनके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। और ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि समुद्री वनस्पतियों का कुल वजन हमारी पृथ्वी पर मौजूद कुल मानव आबादी से भी ज्यादा है। 6, दुनिया के सबसे अधिक कलाकृतियां सागरों में मौजूद हैं। ये तथ्य आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर आप दुनिया की सुंदर और मशहूर कलाकृतियों के बारे में सोचेंगे तो आपको यही लगेगा कि ये कलाकृतियां तो सिर्फ आपको म्यूजियम्स में देखने को मिलेंगी या फिर किसी विशेष स्थान पर। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जितनी कलाकृतियां पृथ्वी पर मौजूद नहीं है उससे कहीं अधिक सागरों की गहराई में मौजूद है, तो आपको कैसा लगेगा? दरअसल ये जहाजों के समुद्रों में डूबने से हुआ है। फ्लोरिडा कीज में ही 1000 से भी ज्यादा जहाजों के अवशेष मौजूद हैं। पहले जहाजों से ही कीमती सामानों को ले जाया जाता था, जिसमें से कई जहाज डूब गए और कई बेहद मशहूर और बहुमूल्य कलाकृतियां समुद्र में समा गई। 5, समुद्रों में मौजूद है अरबों का सोना। ये तथ्य सच में आपको अमीर बना देने वाला है। कीमती चीज सुनते ही आप में से ज्यादातर लोगों के मन में सोना ही आता है। सोने को सोने की खदानों से निकाला जाता है और फिर उसका प्रयोग किया जाता है। पर क्या आप विश्वास करेंगे कि समुद्रों में इतना सोना मौजूद है कि अगर आप पृथ्वी पर मौजूद हर इंसान में सोने को बांटेंगे तो सभी को 4 किलोग्राम सोना प्राप्त होगा, मतलब हर एक व्यक्ति को 1,40,00,000 रुपए प्राप्त होंगे। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अपना प्यार हमकिन लगता है तो आप गलत हैं, क्योंकि मिड ओशन रिज ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो लगभग पूरी समुद्र के नीचे मौजूद है। अगर अब तक आपको ये तथ्य कुछ खास नहीं लगा तो ये जान लीजिए कि इस पर्वत श्रृंखला की लंबाई 65,000 किलोमीटर है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों, हमारे चैनल पर पृथ्वी के अनोखे तथ्यों की वीडियो भी मौजूद है, अगर आप वे वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 3, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है। क्या आपको भी यही लगता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है? तो एक बार फिर से सोच लीजिए, क्योंकि अब जो आप जानेंगे वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि सबसे ऊंचा पर्वत आखिर है कौन सा। दरअसल माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जब समुद्री स्तर से मापी जाए तो ये लगभग 8,847 मीटर होती है, लेकिन अगर समुद्री सतह से मापी जाए तो हवाई के माउंट किया की ऊंचाई 10,000 मीटर होती है, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है। अब आप ही तय कर लीजिए कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा होना चाहिए। 2, कोरल से बदली जाती हैं हड्डियां। समुद्र की गहराइयों में एक सुंदर दृश्य देखने को मिलता है, और उस दृश्य को सुंदर बनाती है मूंगा चट्टाने और जलीय जीव जंतु। मूंगा चट्टाने बेहद सुंदर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा लाभकारी भी होती है। पर क्या आपको पता है कि जो मूंगा चट्टाने होती है उनका रासायनिक मिश्रण हड्डियों से काफी हद तक मेल खाता है, और शायद इसलिए इंसानों में हड्डियों के नष्ट होने पर उनकी जगह इन मूंगा पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे समुद्र हमारे लिए कितना लाभकारी है। 1, दुनिया के तटीय सहारों का अंत। ये तथ्य सबसे अद्भुत होने के साथ साथ बेहद महत्वपूर्ण भी है। आप तो जानते ही होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फीली चट्टाने पिघल रही हैं। अगर दुनिया भर के तापमान में सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई तो दुनिया के सभी तटीय शहर पानी में डूब जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए कितनी खतरनाक है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। आज हमें विकास की होड़ छोड़कर अपनी पृथ्वी को स्वच्छ और सुरक्षित बनाना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब पृथ्वी पर जीवन का नामोनिशान नहीं होगा। तो ये वो महासागरों के बारे में 10 सबसे अनोखे तथ्य थे। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ये जानकारी अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन रोचक तथ्यों को जान पाएं।